नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ब्रह्मांड पुराण के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थस्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थस्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थस्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, ब्रह्मांड पुराण 18 पुराणों में से 18वां एवं अंतिम पुराण है। ब्रह्मांड पुराण को मध्यकालीन भारतीय साहित्य में वायवीय पुराण या वायवीय ब्रह्मांड कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण भविष्य कल्पों की कथाओं से युक्त है। ब्रह्मांड पुराण में 109 अध्याय तथा 12,000 श्लोक समाहित हैं। ब्रह्मांड पुराण में 4 पाद हैं। पहला प्रक्रिया पाद, दूसरा अनुषंग पाद, तीसरा उपोद्धात पाद तथा चौथा उपसंहार पाद। आइए अब चारों पादों की विषय सूची देख लेते हैं। पहला है प्रक्रिया पाद। प्रक्रिया पाद के अंतर्गत कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना समाहित है। दूसरा है अनुषंग पाद। अनुषंग पाद के अंतर्गत कल्प और मन्वंतर का वर्णन, मानुषी सृष्टि वर्णन, रुद्र सृष्टि वर्णन, प्रियव्रत वंश का परिचय, भारतवर्ष का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय, नीचे के तथा ऊपर के लोकों का वर्णन, ग्रहों की गति का विश्लेषण, भगवान शिव के नीलकंठ नाम पढ़ने का कारण, महादेव जी का वैभव, अमावस्या का वर्णन, युग के अनुसार प्रजा के लक्षण, स्वयंभू मन्वंतर तथा शेष मन्वंतर का निरूपण तथा पृथ्वी दोहन समाहित है। तीसरा है उपोद्धात पाद। उपोद्धात पाद के अंतर्गत सप्तऋषियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, मरुद्गणों की उत्पत्ति, कश्यप की संतानों का वर्णन, वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, मनुपुत्रों का वंश, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का वर्णन, ययाति चरित्र, यदुवंश का वर्णन, परशुराम चरित्र, सगर की उत्पत्ति, भार्गव का चरित्र, कार्तवीर्यवध की कथा, कृष्णावतार वर्णन, शुक्राचार्य कृत इंद्र का पवित्र स्तोत्र, विष्णु महात्म्य, कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र समाहित है। चौथा है उपसंहार पाद। उपसंहार पाद के अंतर्गत वैवस्वत मन्वंतर की कथा, भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र, 14 भुवनों का वर्णन, प्राकृतिक प्रलय का प्रतिपादन, शिवलोक का वर्णन तथा पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन समाहित है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अंतिम पुराण अर्थात ब्रह्मांड पुराण के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। इसी के साथ पुराणों की यह श्रृंखला पूर्ण होती है। मैं आशा करता हूं कि यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि ब्रह्मांड पुराण के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय जय गुरुदेव।